झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मंगलवार को अपने आवासीय परिसर इस्लामपुर में जनसुनवाई सह कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कहा कि झारखंड सरकार की ओर से कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर हमारी सरकार की योजनाओं को ग्रामीणों को बताएं और इसका लाभ लेने में लोगों को सहयोग करें। वहीं आलम ने कहा कि शेर शाहबादी जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार बात की है, जिसके समाधान के लिए आवश्यक आश्वासन भी मिले हैं। सुनवाई हमने प्रखंड अध्यक्ष से अपने अपनी बातों अपने अपने प्रखंड पे सुनने के काम किया और निर्भीक होकर हम सबको बोलने के लिए कहा गया था। जो भी कमी हो, चाहे किसी का, हमारा पदाधिकारी हो चाहे मंत्री का हो, बात को रखना आपको चाहिए। हमारे यहाँ पर जो पंचायत के जो सचिव जो हैं, अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने अपने बात को रखने का काम किया। दूसरा, उसका जन सुनवाई मतलब जनता का वहाँ पर क्या है, क्या वो चाहते हैं, उस बात को रखने की काम किया। सम्मेलन के साथ साथ जन सुनवाई यहाँ पर हुआ है और आपको पता होगा कि हमने सिर्फ 150 आदमी का ही फोन किए थे, जो आपका प्रखंड कमेटी होता है उसको और मुखिया जो 26 है उसको, लेकिन आज देखते हैं 400 आदमी आ गए। तो इससे आपको यही पता चलता है कि कांग्रेस के प्रति यहाँ के लोगों का एक प्यार है, संवेदना है। जब भी कांग्रेस का कभी भी नाम होता है तो खचाखच जो है हॉल भर जाता है, जहाँ मीटिंग बुलाता है वहाँ भर जाता है। और यही संदेश देने के काम किए हैं, कुछ बोलने वाले थे अभी बोल नहीं पाए, आजान हो गया। यही संदेश था कि बूथ कमेटी को हमको नए सिरे से आपको बनाना है और जितना जल्दी हो उस कमेटी को बनाएं और जितना भी बूथ है उसका मॉनिटरिंग जो है हमारे हम खुद करेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष तो ही है, वो लोग तो मेरा है, लेकिन हम उसका नंबर और उसका फ़ोन नंबर लेकर हम उनसे एक एक करके जिस पंचायत का होगा कम से कम 5 जो है मेंबर, 100 मेंबर को कभी भी फोन करके पूछेंगे तुम्हारा गांव में क्या चल रहा है, तुम्हारा गांव की क्या कमी है, तुम्हारा गांव में जब हम भेजे थे चापाकल तुम्हारा चापाकल लगा कि नहीं, तुम्हारा यहाँ कुइयाँ देते वो हुआ कि नहीं, तुम्हारा यहाँ सड़क हुआ कि नहीं। आप उनसे हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की काम करें। सबसे उपलब्धि यही है कि बूथ कमेटी बनाकर मैं स्वयं जो बूथ कमेटी के मेंबर्स हैं उनको महीना में 10 दिन में उसका हम खबर लेंगे, ताकि हमको उस पंचायत उस गांव का क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, योजना से लोगों को लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसका